तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दोस्तों एक स्विच बोर्ड रखा हुआ है जिसमें हमने जो सामान यूज किया दोस्तों एक 5-पिन सॉकेट, 4 स्विच और एक फ्यूज और एक इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम इतना सामान पे वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने की खास मकसद ये है कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई वो हमें जो कमेंट किए हैं कि सर हमें इतना सामान पे वायरिंग करके बताइए। दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो ये स्विच बोर्ड देख रहे हैं इस स्विच बोर्ड का दोस्तों मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारा भाई का यहाँ पे डिमांड आता है इस तरह की बोर्ड की। आखिर इसका डिमांड ज़्यादा है तो है क्यों, यहाँ पे सबसे पहले वो जान ली। देखिए यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपके मार्केट में या किसी भी मार्केट में जो सीट ज़्यादातर अवेलेबल होता है वही स्विच बोर्ड दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा चलता है। ये सीट आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये 8x10 में है और ये दोस्तों हर जगह अवेलेबल है, यानी कि 4 स्विच और एक 5-पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज, यानी कि ये इतना जो कटिंग है ये हर जगह अवेलेबल है, जिस वजह से दोस्तों ये इस बोर्ड पर डिमांड जो है ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है हमारे चैनल पर अभी तक अवेलेबल भी नहीं था और भाई ने हमें कमेंट किया, तो दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मेरे चैनल पर ये वीडियो आ भी जाएगी। दोस्तों अगर आपका भी किसी तरह की सवाल और सुझाव हो किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैं आपके कमेंट पर वीडियो जो है जल्द लाऊँ। फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में जो है सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी भाई का डिमांड आता है सर हमें जो है विदाउट फ्यूज का कनेक्शन करके बताइए, यहाँ पे हम इस बोर्ड में कितना नंबर की वायर हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें विदाउट इंडिकेटर का यहाँ पे वायरिंग करके बताइए। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे सिचुएशन आ जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में मैं सारा चीज़ यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, साथ दोस्तों नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलो दोस्तों टाइम के नाम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी अप्लायंस देख रहे हैं दोस्तों इस सीट में जो कसा हुआ दोस्तों ये सीट हमारी जो है ये 8x10 की है। यहाँ पे अगर दोस्तों इसे आप मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके बोल सकते हैं तो सर हमें जो है यहाँ पे 8x10 की बोर्ड और सीट चाहिए, आपको दोस्तों ये बोर्ड और सीट आप जो है आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है प्लेन में लेना है तो प्लेन में भी ले सकते हैं, आपको अगर इस तरह से कटिंग में लेना है तो वहाँ पे आप कटिंग भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप सामान तो अपना हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा होगी आपकी जिस चीज़ की जरूरत होगी आप यहाँ पर सामान फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर होगी जो हमें जो है यहाँ पे टर्मिनल को जो है वायर को कनेक्ट करने के लिए होगा, और यहाँ पे हम एक टेस्टर भी ले लिए हैं और यहाँ पे दो हमने जो है कटर लिए, एक तो हमें जो है यहाँ पे इससे काटेंगे वायर को और दूसरा दोस्तों यहाँ पे हम छिलेंगे, इससे भी कटता है बट इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कट करने में, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस कटर का ले लिए हैं। तो चलिए आप मैं आपको कनेक्शन करना बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे जो भी सामान है दोस्तों यहाँ पे 6 एम्पियर की आप जो है यहाँ पे सामान है, यहाँ पे आपको सॉकेट भी मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 6 एम्पियर जो है 240 वोल्ट यहाँ पे एसी जो है सप्लाई की मतलब पावर है, जितना भी यहाँ पे जो अप्लायंस है दोस्तों ये 6 एम्पियर के। तो यहाँ पे इसमें अगर आप जो है ज़्यादा लोड देंगे दोस्तों तो यहाँ पे सॉकेट भी जल सकता है, साथ दोस्तों यहाँ पे स्विच भी जल सकता है, तो उसी हिसाब से आप जो है यहाँ पे लोड दें। और यहाँ पे वायर की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे हम वायरिंग करने में कितना एमएम की वायर लेंगे, तो यहाँ पर आप जो है 0.75 की या 1 mm की वायर यहाँ पे ले सकते हैं, इसके 0.75 इसके लिए काफ़ी है फ्रेंड्स, और 1 mm जो है यहाँ पे और भी बेस्ट हो जाता है। तो आपको जो भी इच्छा हो दोस्तों यहाँ पे 1 mm की ले लें चाहे आप जो है 0.75 ले लें। चलिए यहाँ पर हम दो वायर ले लिए हैं, यानी एक ब्लैक और दूसरा यहाँ पे रेड, तो रेड को हम दोस्तों यहाँ पे हम फेस पे यूज़ करेंगे, दूसरा जो ब्लैक आप देख रहे हैं यहाँ पे से हम न्यूट्रल पे यूज़ करेंगे, तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन वायर जो हमें अर्थ पे यूज़ करना होता है जो हमारी ये तीसरा टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे इस सॉकेट पर आप जो 3 टर्मिनल दिया गया है यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है एन है, तो एन वाले पे आप जो है यहाँ पे ब्लैक वायर यूज़ करेंगे न्यूट्रल वाले हिस्से पे, और यहाँ पे लेफ्ट में आपको जो है यहाँ पे एल मिलेगा जो हमारी लाइव वायर यहाँ पे जुड़ते हैं, यानी कि लाइन की वायर यानी कि फेस की वायर, यहाँ पे रेड वायर को हमें कनेक्ट करनी है। तीसरा टर्मिनल पे हमें जो है यहाँ पे ग्रीन वायर को कनेक्ट करनी है जो हमारी धरती से अर्थ हमें जो है लिया जाता है, वो वायर हमें जो है यहाँ पे कनेक्ट करनी होती है। और यहाँ पे चलिए वायरिंग करेंगे, तो वायरिंग करना है तो करना किस तरह से चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 आपको स्विच दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4 स्विच हो, 10 स्विच हो, 20 स्विच हो या चाहे जितना भी स्विच हो, हमें उससे कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे सेम ही जाएंगे, यानी कि कभी भी आप जो है यहाँ पे वायरिंग करते हैं तो हमेशा दोस्तों स्विच में आप जो है फेस की इस्तेमाल करें, न्यूट्रल की कभी इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पे एक इंडिकेटर है और यहाँ पे फ्यूज है, इंडिकेटर एक तरह से हमारा जो है बल्ब होता है, यानी कि ये बल्ब का काम करता है कि इस स्विच बोर्ड में या किसी भी स्विच बोर्ड में सप्लाई है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज में भी 2 टर्मिनल है, तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्यूज हमारी सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, यानी कि एक सप्लाई को यहाँ से इन कराते हैं, दूसरा से हमारा जो है पतली वायर की मदद से यहाँ से आउट करता है, यानी कि जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो दोस्तों यहाँ पे ये सप्लाई जो है ब्रेक कर देता है, और शॉर्ट सर्किट होने से हमारे घर में जो भी अप्लायंस चल रहा था दोस्तों वो नुकसान होने से बच जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सॉकेट है 5-पिन सॉकेट है,
तो यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत होगी, तभी जाके ये दोस्तों ये सॉकेट वर्क करेगा। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है दोस्तों कि यहाँ पे इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दोस्तों इसे हम स्विच से वर्क कराते हैं। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम कनेक्शन जो करते हैं स्विच से आखिर क्यों करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम दोस्तों स्विच से इसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये सॉकेट दोस्तों यहाँ पे अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई यानी फेस और न्यूट्रल की इन करा देते हैं तो ये सॉकेट हमारा तो वर्क करेगा, बट इस सॉकेट में हम जो भी अप्लायंस को चलाएंगे दोस्तों वो हमेशा चलेगा, इसे हमें जो है बंद चालू नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम बंद करने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्लग को खींचना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चार्जर को खींचना पड़ेगा, यहाँ पे टेलीविज़न की मेन लीड को यहाँ पे खींचना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम एक स्विच का इस्तेमाल कर देते हैं इसे बंद चालू करने के लिए। जब हमारी इच्छा होगी दोस्तों यहाँ पे इसे हम चालू रखेंगे और जब हमारी इच्छा नहीं होगी दोस्तों इसे हम बंद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम फेस की कनेक्शन करेंगे, तो फेस के लिए यहाँ पर हम रेड वायर ले लेते हैं और यहाँ पे जितना भी आप दोस्तों यहाँ पे स्विच देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सभी स्विच को हमें जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर देनी है, यानी कि हमें जो है कॉमन बना देनी है, यानी कि हमें शॉर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे हमें जो है वायर का इंसुलेशन इस तरह से हटा लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें जो है चारों स्विच को एक साथ हमें जो है कनेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे चलिए इसका टर्मिनल जो हम ढीला कर लेते हैं, यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायरिंग को दोस्तों यहाँ पे आप जो है कुछ इस तरह से भी कर सकते थे, यानी कि इस तरह से। चलिए मैं आपको इस तरह से कनेक्शन करके बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वायर को इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे हमें जो है टर्मिनल को हमें जो है अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है, ताकि हमारी जो यहाँ पे हमने जो लाइव वायर की यहाँ पे लूप जो डाला है दोस्तों ये हमारी लूज ना हो और यहाँ पे जो है स्पार्क ना ले। तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हमारे जब हो जाती है दोस्तों स्विच पे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तो हमने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर की तरह के बल्ब होता है और आप जब भी घर में बल्ब जलाते हैं दोस्तों तो उसमें आपको जो है दो वायर निकलता होगा बल्ब से, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए इस होल्डर से दो वायर निकला है यहाँ पे फेस और न्यूट्रल के लिए। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे दो टर्मिनल दिया गया है आपको फेस और न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक फेस की जरूरत होगी और यहाँ पे एक न्यूट्रल की जरूरत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज में भी दो टर्मिनल है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्यूज हमारी सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, यानी कि एक सप्लाई को यहाँ से इन कराते हैं और दूसरा से हमारा जो है पतली वायर की मदद से यहाँ से आउट करता है, यानी कि जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो दोस्तों यहाँ पे ये सप्लाई जो है ब्रेक कर देता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से माप लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कई भाई कहते हैं कि हमें जो है यहाँ पे फ्यूज नहीं रहता तो हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं, इंडिकेटर नहीं रहता दोस्तों तो यहाँ पे हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर नहीं होता दोस्तों तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वायर दोस्तों यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पर यहाँ पे देके और यहाँ से एक फेस वायर की इनर पॉइंट यहाँ पे बना सकते थे, तो यहाँ पे इंडिकेटर की हमारी समस्या खत्म हो जाती। हाँ, यहाँ पे अगर दोस्तों इंडिकेटर रहता और यहाँ पे फ्यूज नहीं रहता दोस्तों तो हमें जो है इस वायर पे यहाँ पे लेके, यानी कि एक हमें जो है इंडिकेटर पे एक वायर को कनेक्ट करके और सीधे दोस्तों यहाँ पे हम इस वायर को निकाल सकते थे जो हमारे फेस वायर की इनर पॉइंट होती। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे दोनों की जरूरत है, तो चलिए यहाँ पर हम इसे इस तरह से वायर का इंसुलेशन हटा लेते हैं यहाँ पे और वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे जो इंडिकेटर में फेस की कनेक्शन हो गई और यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों इस टर्मिनल पे हम इसे डाल के और यहाँ पे हम इसे टाइट कर लेते हैं। तो एक हमें जो है कनेक्शन बच जाता है दोस्तों यहाँ पे इनर पॉइंट बनाना है, यानी कि फ्यूज में जो हम सप्लाई यहाँ पे इन कराएंगे। आपको मैं एक मिनट बता देता हूँ, देखिए चलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो कुछ इस तरह से वायर को हमने जो कनेक्ट किया है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस वायर को कट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 220 वोल्ट सप्लाई की यानी कि लाइव वायर के दोस्तों यहाँ पे इनर वायर होगी, यहाँ से सप्लाई हमारी जो ये इन होगी, तो यहाँ से ये सप्लाई हमारी यहाँ आ जाती है। और यहाँ से होता क्या है फ्रेंड्स कि मैं आपको दिखा रहा था, देखिए ये पतली वायर की मदद से यहाँ पर हम फ्यूज बनाते हैं दोस्तों, यहाँ से हम यहाँ कर देते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये देखिए टर्मिनल यहाँ पे हमारा अभी गैपिंग है, तो यहाँ पे ये गैपिंग है, तो ये दोनों को हम आपस में अटैच कर देते हैं दोस्तों पतली वायर की मदद से। तो ये दोस्तों यहाँ से यहाँ टच कर देता है, तो ये होता क्या है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड से। ये देखिए जैसे ही दोस्तों यहाँ से यहाँ टच किया तो यहाँ पे जो फेस वायर इन हुआ दोस्तों यहाँ से ये टच करता है, तो यहाँ से ये सभी जगह पे ये जो है ये फेस वायर हमारा जो है चला जाता है, यानी कि फेस सप्लाई हमारा जो है चला जाता है और यहाँ पे ये सभी सामान जो है वर्क करने लगता है। यहीं पे इसी में से कोई सामान में हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये पतला वायर यहाँ पे ब्रेक कर देता है, हमारा सप्लाई दोस्तों यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी जो है शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी जो है फेस की कनेक्शन हुई। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो फेस की जरूरत है तो है कहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस 5-pin सॉकेट में आपको फेस की जरूरत है, यहाँ पे इसे डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे और इसे हम स्विच से वर्क कराएंगे तो किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया दोस्तों कि इसे हम स्विच से इस्तेमाल की कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी दोस्तों। यहाँ पे हमेशा सप्लाई रखना चाहते हैं तो हमेशा भी रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसे स्विच से वर्क कराते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है इस वायर को यहाँ पे एल वाले हिस्से पर हमें जो है इस वायर को पहुँचाने हैं। यहाँ पे हमने जो है एल वाले पे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस सॉकेट को हम चाहते हैं कि हमेशा वर्क कराते। दोस्तों ये वायर जो है यहाँ पे ऊपर में हम कनेक्ट किए हैं यानी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे, इसे हम यहाँ से खोल कर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट हम नीचे कर देते, क्योंकि ये हमारा जो है ये लाइव वायर है, यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई जो है यहाँ पे इन हो रहा है, ये हमेशा जो है यहाँ पे सप्लाई होगा हमारा, तो यहाँ पे हम चाहते हैं हमेशा इसमें सप्लाई है दोस्तों, तो इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते। दोस्तों इस सॉकेट में हमारा जो है ये हमेशा सप्लाई होता। अब फ्रेंड्स बात आती है हमारे यहाँ पे न्यूट्रल की, चलिए न्यूट्रल की कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल की आपको जरूरत यहाँ पे है कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले वो जान लीजिए। यहाँ पे न्यूट्रल का आपको जरूरत है दोस्तों इस 5 पिन सॉकेट में और इस इंडिकेटर में। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ न्यूट्रल का भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में 5 पिन सॉकेट के यहाँ पे एन लिखा है दोस्तों, उसी वाले टर्मिनल पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसे हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है इस वायर को यहाँ पे इस इंडिकेटर पे पहुँचाने, क्योंकि इस इंडिकेटर में भी जो है न्यूट्रल की जरूरत है। हमने आपको बताया दोस्तों जिस तरह से बल्ब हमें जो कनेक्शन करना होता है उसी तरह से इंडिकेटर में भी कनेक्शन में करना होता है फेस और न्यूट्रल की। तो चलिए यहाँ पे हम वायर का इंसुलेशन थोड़ा सा हटाते हैं और दोस्तों इसे हम ऊपर वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स इसे हमें अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेनी है, यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो लूज नहीं रखनी है किसी भी टर्मिनल को। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हमारे जो न्यूट्रल की कनेक्शन हो गई, यहाँ पे हमें जो एक तीसरा जो टर्मिनल हमारा बच जाता है दोस्तों यहाँ पे ग्रीन वायर की, तो यहाँ पे हम अर्थ की कनेक्शन यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर आपके घर में किसी कारीगर ने अच्छी तरह से वायरिंग की होगी दोस्तों तो वहाँ पे एक ग्रीन वायर जो है जरूर निकाला होगा, तो वो हमारे जो है दोस्तों वो धरती से अटैच होती है, यानी कि हमें जो है ग्राउंड से लिया जाता है, धरती से लिया जाता है, और वो ग्रीन वायर को दोस्तों यहाँ पे हमें जो है कनेक्ट करनी होती है। अगर आपके घर में वायरिंग अच्छी कारीगर ने की होगी दोस्तों, अगर निकाला होगा वायर तो आप यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं निकाला है तो फिर भी कोई बात नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 3 स्विच जो है यहाँ पे खाली बच जाता है, तो इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी इच्छा होगी तो यहाँ पे आप जो है बल्ब जला सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं इसमें एक हमें जो है होल्डर लगा दें, बटन होल्डर, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बट यहाँ पे भाई का डिमांड नहीं आया था, तो हमारे जो चैनल पर इस तरह की वीडियो जो है काफ़ी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं होल्डर की कनेक्शन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप पंखा की कनेक्शन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, चाहे आपको जितना भी बल्ब जलाना है दोस्तों तो उसे हम किस तरह से जलाएंगे। एक हमें होल्डर ले लेता हूँ, आप दोस्तों चाहे तो आप इसे जो है इसे बल्ब भी मान सकते हैं और यहाँ पे इसे चाहे तो आप पंखा भी मान सकते हैं, दोनों का कनेक्शन आपका दोस्तों यहाँ पे सेम ही होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको पंखा चलाने के लिए, यहाँ पे आपको बल्ब जलाने के लिए, दोनों के लिए आपको है दो दो वायर आपको मिलेगी फेस और न्यूट्रल के। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है दोस्तों, एक वायर आपको जो है किसी दोनों में से एक वायर को लेनी है और यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे इसे हम कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हमने जो है इसे कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इस होल्डर में चाहे इस पंखे में हमने जो है फेस की सप्लाई जो है यहाँ पे इन करा दिया है, यानी कि जब हम स्विच को दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो है फेस इस होल्डर में चला जाएगा। बस जाता है दोस्तों एक हमारा न्यूट्रल की कनेक्शन करना। तो न्यूट्रल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो ब्लैक वायर आपका गया है दोस्तों, ये हमारा जो है न्यूट्रल की पॉइंट है और यहाँ पे दो पॉइंट आपको जो है नजर आ रही है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पर से आप कहीं भी डाल सकते हैं न्यूट्रल की पॉइंट। फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूट्रल वायर अगर आपको जो नहीं पता है यहाँ पे ब्लैक वायर नहीं होगा तो किस तरह से पता कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट के राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे एन वाली पॉइंट आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे इससे आप जो है पता कर सकते हैं कि हमारे न्यूट्रल की वायर कौन सा है। अगर आप इससे कन्फ्यूज हैं, यहाँ पे कई बार ये गलती भी कर देते हैं, बट वायरिंग के मास्टर होते हैं दोस्तों, वो जो है अच्छी तरह से वायरिंग करते हैं, जो जिस तरह से यहाँ पे कनेक्शन दी जाती है स्विच बोर्ड में उसी तरह से वो कनेक्शन करते हैं। तो अगर उससे भी अगर पता नहीं चलता फ्रेंड्स तो आपको एक टेस्टर लेनी है, यानी कि एक हमें टेस्टर लेनी है और यहाँ पे सप्लाई हमारा जो चालू रहे, यहाँ पे हमें सेफ्टी के साथ यहाँ पे टच करके देख लेना है दोस्तों यहाँ पे लाइव वायर हमारा जो ये है कौन, जिसपे आपको दोस्तों टेस्टर ग्लो कर जाएगा दोस्तों वो हमारे जो है लाइव वायर होगी, यानी कि फेस की इनर पॉइंट होगी। हाँ यहाँ पे फिर जो आप दूसरा वायर यहाँ पे हमें दूसरे पे अटैच करनी है, अगर उस पर टेस्टर नहीं ग्लो किया दोस्तों तो वो हमारे जो है न्यूट्रल वायर होगी, तो इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा वायर आपका बच जाता है दोस्तों, इसे हमें जो है इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दें, चाहे तो आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए चाहे तो आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। चलिए यहाँ पर हम इसे इसी जगह पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको जितना भी पंखा चलाना है, आपको जितना भी बल्ब जलाना है दोस्तों, इसी तरह से आप जो है कनेक्शन करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है पतला वायर की मदद से यहाँ पर हमने जो है फ्यूज बना लिया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसे इन करा देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसमें सप्लाई देंगे और देखते हैं दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक होल्डर में हम जो है एक बल्ब लगा लेते हैं ताकि यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करा के दिखा सकूँ। एक 100 वर का बल्ब लगा लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सप्लाई दे देता हूँ और देखते हैं दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर भी ग्लो कर गई, यहाँ पे ये बल्ब हमारा जो है ये ग्लो कर गया। तो यहाँ पे स्विच देख लेते हैं ऑफ करके, ये देखिए ऑफ हो गया, ये ऑन भी हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है एक बल्ब होल्डर को लगा के यहाँ पर हमने चेक करके दिखा दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये सॉकेट की बात आती है, चलिए ये भी देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं।
तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है, इसका स्विच दोस्तों ये है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, देखिए। तो पूरी तरह से दोस्तों ये स्विच बोर्ड जो है ये वर्क कर रहा है। आपको जितना भी बल्ब जलाना हो और जितना भी पंखा चलाना हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसी तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये बारे में आप लोग को समझ आ गए दोस्तों। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियोज होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।